हमारे लिए तो एक मुश्किल है. मैं गुजराती तो बोल ही नहीं सकता हूं और हिंदी भी कोई विशेष ठीक ठीक नहीं बोल सकता हूं. खैर आप लोग क्षमा कीजिएगा. ये जो कृष्ण भावनामृत संघ हम लोग बनाया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस,
इसका उद्देश्य यही है कि सारा दुनिया में जो सब लोग एक भ्रम में है, तो क्या भ्रम है? वो समझता है कि इस दुनिया में रुपया पैसा खूब फायदा करके और भोग करेंगे और उसी में मैं सुखी रहूंगा। ये सब दुनिया में चल रहा है, तो किसी तरह से रुपया ले आओ और भोग करो। पाश्चात्य देश में इसको कहते हैं हेडोनिज्म, ईट ड्रिंक बी मैरी एंड एंजॉय। बैठिया श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले ये संकीर्तन मूवमेंट आंदोलन, संकीर्तन भगवान का नाम का प्रचार, भगवान और भगवान का नाम कोई प्रभेद नहीं है। नाम चिंता मणि कृष्ण, शास्त्र में बताते हैं जो भगवान का नाम जो कृष्ण और भगवान का नाम जो राम, ये स्वयं भगवान है। नाम चिंता मणि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, जैसा भगवान विग्रह मूर्तिमान पूर्ण चेतन, इसी प्रकार भगवान का जो नाम वो भी पूर्ण चेतन। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, उसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए शास्त्र कहते हैं पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्याग नाम नामिना। ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान नाम से बहुत बड़ा है, नाम कुछ छोटा है, नहीं। जैसा नाम भगवान जैसा सर्वशक्तिमान, इसी प्रकार भगवान का नाम भी सर्वशक्तिमान। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। ये भगवान का नाम, भगवान की सब शक्तियां उसमें है। यदि हम लोग शुद्ध नाम कर सके, नाम जपने के लिए तीन अवस्था है, एक नाम अपराध और एक नामाभास और एक शुद्ध नाम। नाम अपराध, पहले हम अपराध होता है कि बहुत से आदमी ऐसे ही समझते हैं कि हरे कृष्ण नाम जपो और दुर्गा नाम जपो, काली नाम जपो, ये और कोई देवता का नाम जपो, सभी एक है। ये नाम अपराध है। शास्त्र में कहते हैं हरेर नाम ही वो केवल, और कोई नाम नहीं, हरेर नाम। आदमी भ्रम से ये समझता है कि कोई भी नाम जप लो, और वो लोग बोलता है ऐसा नाम से जपो, नहीं, ये शास्त्र विधि नहीं है। हरेर नाम ही वो केवलम, कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा। कलि युग में
सब आदमी बहुत पतित है। कलयुग का विशेष वर्णना द्वादश स्कंध में बताया गया है, भागवत में वो सब मिलता जुलता है। एक शब्द उसमें आया है लावण्यम केश धारणम। कलयुग में आदमी समझेगा कि ज्यादा बाल रखने से बड़ा सुंदर हो जाएगा। आप लोग देखिएगा आजकल नौजवान खूब बाल रखते हैं, वो समझता हम बहुत सुंदर होंगे। लावण्यम केश धारण, बाकी ये कलयुग का एक पहचान है लक्ष्मण। और भी बहुत से हैं, दाम्पत्य रति में वही, ये स्त्री पुरुष का जो संपर्क है पति पत्नी, वो संपर्क तब तक ठीक रहेगा जब तक उनका जो काम परितृप्ति चलेगा। दाम्पत्य रति में वही, इसका प्रमाण विदेश में पाश्चात्य देश में बहुत, थोड़ा उनका इंद्रिय तर्पण में गोलमाल हुआ तो डाइवोर्स कर दे। तो शास्त्र में लिखा है दाम्पत्य रति में वही, विप्रत्यय सूत्र में वही। विप्रत्यय ब्राह्मण, ब्राह्मण कैसे रह गए, ने एक दो पैसे का सुतली लगा दिया बहुत, और सब ब्राह्मण का गुण जो है सम दम तितिक्षा आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, सब गीता में बताया आप लोग जानते हैं। वो सब समदम सब चूल्हे में गया, मैं दो पैसे का सुतली लगा दिया ब्राह्मण। ये सब कलयुग का पहचान है लिखा है। और आयु और मेधा और दया और धर्म ये सब बिल्कुल चला जाए, ये सब कलयुग में विस्तार वर्णना है। आप लोग जो भागवत पढ़ेंगे द्वादश स्कंध में तृतीय अध्याय में ये सब वर्णना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शास्त्र का अनुसार कहते हैं कि हरेर नाम इव केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्न था। कलयुग में यही एक पंथा है जो कि आपको ये भौतिक जगत से भगवान का पास पहुंचा सकता है। आदमी जानते ही नहीं जो हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसा नीच हो गया। नते विदु सार्थ गति विष्णु, पहले भी था कम था, जैसा पहले भी रावण था संन्यास वेश लेकर के और सीता को हरण करने को गया, तो आजकल ज्यादा हो गया। उस समय एक ही संन्यास था रावण मिलता है, जो कि संन्यास वेश धारण करके परस्त्री हरण करने के लिए गया, आजकल बहुत मिल जाएगा। तो ये कलयुग है। और ये कलयुग का विषय शास्त्र ने बताया है कि प्रायेण अल्प आयुष कलौ अस्मिन् युगे जुना, मन्यास मंद मतयो मंद भाग्या उपद्युता। उपद्रव क्या क्या चीज है वो भी बताया है। दुर्भिक्ष करो पीड़िता, एक तरफ से खाने को चीज नहीं मिलेगा और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट खूब टैक्स लगाएगा। दुर्भिक्ष करो पीड़िता, आदमी सब परेशान होकर के अच्छिन्न दारिद्र्येण गच्छन्ति गिरिकाननम्। बहुत ही
कलयुग का जो दुर्दशा की वर्णना है शास्त्र सब दिया हुआ है और उपाय भी बता दिया है कि कलयुग में जीवन को सफल करने के लिए एक ही उपाय है। ये भी सुखदेव गोस्वामी बताया कलौ दोष निधि राजन अस्ति जी को महान गुण कीर्तनादि व कृष्णस्य मुक्त संग परम भजे। अनेक प्रकार विवेचना है शास्त्र में, उसी का अनुसार ये हरे कृष्णा आंदोलन हम लोग सारा दुनिया में फैला रहा हूं और उसका कुछ कुछ फल भी मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं ये सब यूरोपियन अमेरिकन बॉयज गर्ल्स बच्चे भी अब सामने देख रहे हैं, एक बरस बच्चे भी नाच रहे हैं। यह इसी चीज है, इसको कोई आर्टिफिशियल नेचुरल है स्वाभाविक। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य को भी नहे सवनादि शुद्ध चित्त करो उदय। भगवत भक्ति भगवान कृष्ण का भक्ति जो है वो कोई सिखाने का चीज नहीं है, वो भीतर में सबका हृदय में है। नित्य सिद्ध परपेचुअली नित्यकाल है, क्योंकि भगवान से हम लोग का बहुत घनिष्ठ संपर्क है। जैसा पिता पुत्र, पिता से पुत्र का संपर्क बहुत घनिष्ठ है। बहुत दिन पिता चाहे पुत्र परस्पर छोड़ करके अगर विदेश में रहा, फिर बहुत दिन बाद जब मिलते हैं तो वो जो पिता पुत्र का स्नेह है वो अटूट रहता है। इसी प्रकार भगवान से हम लोग का जो संपर्क है वो अटूट है। बाकी कलयुग में पाप का कारण वो ढका हुआ, उसको जगाना चाहिए। और कुछ चेत दर्पण मार्जनम, वो जगाने के लिए चित्त दर्पण जो है, दर्पण का अर्थ होता है वो आईना जिसमें चार लोग सब आपका स्वरूप देखते हैं, वो मैला से ढक गया, उसको साफ करना, चित्त को साफ करना। इसलिए हम लोग कृष्ण कौन सा स्नेह, कृष्ण भावना अमृत, भावना तो है हम लोग को, अनेक विषय हम लोग सोचते हैं, सोच के काम करते हैं, बिना भावना एक सेकंड भी हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो वो भावना को शुद्ध करना चाहिए, केवल कृष्ण को भावना होना चाहिए, बस जीवन सफल। इसका नाम है कृष्ण भावना अमृत। श्रील रूप गोस्वामी बताए हैं कृष्ण भक्ति रसोभाव, कृष्ण भक्ति रसोभावामृत क्रियताम यदि कुतो विलंभते। रूप गोस्वामी बताए कि कृष्ण भावनामृत यदि कहीं आपको खरीदने को मिले तो आप बहुत जल्दी खरीद लीजिए। कृष्ण भाव रसम, कृष्ण भाव रसामृतमती क्रियताम यदि कुतो विलंभते। तो ये चीज खरीदने के लिए कुछ दाम देने पड़ेगा क्या? हाँ, वो भी बताया तत्तर लौलम एक अलम मूल्यम। यदि आप कृष्ण के लिए थोड़ा लोभी हो जाएंगे, ये इसी जीवन में हमको कृष्ण चाहिए, जैसे हम लोग रुपया के लिए लोभी हो जाते हैं, सुंदरी स्त्री के लिए लोभी हो जाते हैं, उसी प्रकार यदि कृष्ण में लोभी हो जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही पद्धति, यही हम लोग सिखा रहे हैं। भगवान खुद ही बताए भगवद गीता में
मैया सत्य मना प्रार्थ जोगम जुंजन मदाश्रय असंशय समग्र माम यथा गैस्यसि तत्स्य। भगवान में लोभ होने का आसक्ति, जैसा हमारा आसक्ति है दुनिया में, यानी धन में, स्त्री में और पद में, ये सब हम लोग चाहते हैं, इसमें आसक्ति है। इसी प्रकार आसक्ति यदि भगवान में हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। वही चीज कृष्णा, ये जो कृष्णा कॉन्शसनेस मूवमेंट है, किस तरह से दुनिया का आसक्ति कृष्ण में हो, ये हम लोग का प्रयास और कुछ। तो भगवान खुद बताएं कि मैया सक्त मना प्रार्थ योग, ये योग है, किस तरह से कृष्ण का चरण में आसक्ति हो, इसका नाम है भक्ति योग। तो भक्ति योग जिस तरह से हो, वो प्रहलाद महाराज बहुत दिन पहले बताए, सवनम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दासं सखम आत्मनिवेदनम। वाटर नाउ यू शैल गो फॉर वाटर। ये श्रवण है प्रधान, भगवत नाम श्रवण, अतः श्री कृष्ण नामादि, ये नाम श्रवण, हरे कृष्णा, ये श्रवण से हम लोग पहले शुरू करते हैं। केवल श्रवण नहीं, यदि हम ध्यान दें, जैसे परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज मरने में 7 रोज बाकी थे, तो वो केवल श्रवण किया श्रीमद् भागवत। श्री विष्णु श्रवण है परीक्षित, परीक्षित महाराज केवल श्रवण किया, बैठ गया श्रीमद् भागवत। और सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तन किया, ये जो एक एक आइटम है, सवनम कीर्तनम विष्णु, चाहे भगवान का नाम श्रवण कीजिए। देखिए कलियुग का प्रभाव है, ये नाम श्रवण करने में भी बाधा, बैठ के थोड़ा शांति से भगवान की नाम कीर्तन श्रवण करें, वो भी चित्त नहीं लगा सकते हैं। इसलिए ये श्रवण से ही चित्त संयम होगा, शासन चेत दर्पण मान। पहले पहले वो ठीक नहीं लगता है, जैसा कोई व्यक्ति का वो क्या नाम जॉन्डिस पित्त रोग किसी का हो जाता है, तो उसको मिश्री दीजिए, वो बोलता है ये तीत है, कटु है, क्योंकि पित्त रोग से मिश्री सबको ही जानते मीठा है, बाकी उसको जीवा में वो कटु लगता है। बाकी वो जो पित्त रोग है जंडी, उसको आराम करने के लिए मिश्री एकमात्र उपाय है। तो मिश्री खाते खाते वही मिश्री मालूम होगा बड़ा मिष्ट है, सुमिष्ट है। इसी प्रकार ये भगवान का नाम कीर्तन, ये जो हम लोग भौतिक जगत का जो रोग है, ये रोग का कारण अच्छी नहीं देती, बाकी ये रोग मिटाने के लिए यही मात्र उपाय है और कुछ नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम, इसलिए थोड़ा जबरदस्ती मन को बैठाना चाहिए। यही है साधना,
अभ्यास जोग युक्त न चेतुषा नान्नगामिना। जिसका मन बड़ा चंचल है उसको अभ्यास योग करना चाहिए। इसका नाम है तपस्या। मनुष्य जीवन जो है ये तपस्या करने के लिए है। ये कुत्ता भेड़ी का ऐसे नहीं होना चाहिए। कुत्ता भेड़ी सुअर जैसा दिन भर परिश्रम करता है थोड़ा खाने के लिए, कलयुग में जो ये जो अवस्था आई है कि दो रोटी के लिए आदमी गधे का ऐसा परिश्रम करता है, ठेला ठेलता है स्त्री पुरुष मिलकर के, ये कोई मनुष्य का काम है ये? बाकी कलयुग में ये सब हो रहा है और भी होगा। दो पैसे के लिए आपका पुत्र आपका बक्षस्थल में छुरी लगा देगा, ये सब टाइम आता है। दो पैसे के है सब भागवत में लिखा है। ये सब क्रमशः टाइम बहुत ही खराब आएगा और इसका एक ही मात्र उपाय है हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति। ये शास्त्र का वचन है। इसलिए हम लोग का अनुरोध यही है जो किसी अवस्था में आप रहिए ये हरे नाम को जपाते हैं, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर आप समझे कुछ लाभ भी नहीं है, लाभ तो बहुत है बाकी आपको मालूम नहीं, खैर नुकसान तो है ही नहीं। आप रास्ता में चल फिर रहे हैं और यदि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ये नाम को जपा करें तो आपको क्या नुकसान हो जाएगा? लाभ जो होगा तो पहले मालूम पीछे मालूम होगा, बाकी अभी तो कुछ नुकसान तो नहीं है। और भगवान का नाम कीर्तन करने में कोई परिश्रम भी है नहीं, यही हम लोग का निवेदन है। कहीं भी रहिए, हाँ किसी अवस्था में रहिए, कोई भूतल में कोई जगह में रहिए। अब देखिए ना, ये लोग सब यूरोप अमेरिका में, ये तो हिंदू भी है नहीं और भारतवर्ष में है नहीं, जिसे उनका जन्म तो कहाँ कहाँ हुआ है, तो क्यों ये लोग नाम करते हैं? कोई नाम करने में कोई मुश्किल है क्या? नहीं, मुश्किल कोई नहीं है, नुकसान भी कोई नहीं। बाकी यदि आप नाम जपा करेंगे ये जो हृदय में तमाम गर्दा सब इकट्ठी हो गया वो सब साफ हो जाएगा। चेत दत्पनमार्जनम, और हमारा जो तकलीफ है इस दुनिया में, असल तकलीफ जो है तो हम लोग समझते ही नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये भगवान सी कैन बी कंट्रोल अटेंशन इज ड्राइवर। चित्त दर्पण मार्जना, जब चित्त दर्पण मार्जित हो जाएगा साफ हो जाएगा, जैसा आयना है हम लोग उसमें अगर गर्दा है वो साफ कर दिया जाए तो आपको जो सुंदर मुख है वो आप देख सकेंगे। इसी प्रकार जितना आप हरिनाम कीजिएगा हरे कृष्णा आपका चित्त दर्पण मार्जित हो जाएगा, चेत दर्पण मान है। और फिर भूल मालूम हो जाएगा ये जो दुनिया में हम इतना परिश्रम कर रहे हैं इसका क्या कारण है, और हमको हम मरने को नहीं चाहता हूं क्यों हमारा ऊपर मौत आता है, हम बुढ़ा होने को नहीं चाहता हूं क्यों मैं बुढ़ा हो जाता हूं, हम रोग नहीं चाहता हूं क्यों रोग हमारा पर जबरदस्ती आता है, ये सब प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा चेत दर्पण मार्जन। और जब ये सब प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा तो भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये जो भौतिक जगत में आग जल रहा है सबके लिए, वो जो बड़े बड़े गवर्नमेंट मिनिस्टर है उसको लिए भी आग जल रहा है,
और के रास्ता में रोजाना रोकरी करके रोटी पका उसके लिए भी आग जलता। ये बात नहीं है जो आपको कोई अच्छा पदवी मिल जाए और पैसा मिल जाए तो ये आग बुझ जाएगा, नहीं ये बात नहीं। ये सब हम लोग साक्षात देखा है, हम नाम लेने नहीं चाहते। वो चलता है भव महादाबाग, दाबाग्नि, इसको नाम क्यों लिया गया है? दाबाग्नि का अर्थ होता है वो जो जंगल में आग लगता है उसका नाम है दाबाग्नि। वो जंगल में कोई आग लगाने को नहीं जाता है दुश्मनी करके, बाकी प्रकृति का ऐसा ही नियम है वो जंगल में भी आग लग जाती। इसी प्रकार आप आपका परिस्थिति में भौतिक जगत में जो आप अगर आग लगाने नहीं भी चाहते हैं तो आग लग जाएगा। जैसा लड़ाई होती है कभी कभी, कई लड़ाई हो गई, कौन चाहता है बाकी लड़ाई होती है, वज्रपात होता है, रोग होता है, हाँ बहुत से मैं विषय। एक आपका मित्र है वो आपको शत्रु हो जाता है, अपना पुत्र भी शत्रु हो जाता है। ये दुनिया का नियम है, इसका नाम है भव महादाबाग। आप आग लगाने को चाहते नहीं बाकी आग लग जाए, इसीलिए तो इसलिए चेत दर्पण मार्जन होने से जो जब हमको समझ में आएगा कि मैं तो कोई भौतिक वस्तु है ही नहीं, उसका नाम है चेत दर्पण मार्जन। मैं तो ये शरीर नहीं है, कहेंगे अभी ये जो हमारा भौतिक सभ्यता चल रहा है सब देहात्म बुद्धि, हम सोचते हैं हम भारतीय है, ब्राह्मण है, और ये बंगाली है, गुजराती है, ये अनेक प्रकार और भी समझते हैं, अमेरिकन है, हम वो है वो है, ये सब हम लोग ये सब कुछ नहीं है, ये सब जंजाल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेत दर्पण मार्जनम। ये जो सब हम लोग भूल से सोचते हैं जो हम ये है वो है वो है, इसका नाम है वो गर्दाश, उसको मार्जित हो जाए, वो जाओ जितना जंजाल है वो सब साफ हो जाएगा, उस समय आपको अवस्था है ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जब आप ब्रह्मभूत हो जाएंगे आप समझ जाएंगे अहं ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म वस्तु है, हम भौतिक वस्तु नहीं है, शरीर नहीं है। इसी को भगवान पहले ही समझाता है, देही नस्मिन यथा देही कौमार्यो मनुजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्व नमयति। ये सब विचार है, चित्त दर्पण मार्जित नहीं होने का कारण अनेक जंजाल अनेक भूत से हम लोग जीवन अतिवाहित करते हैं, और ये मनुष्य जीवन जो हमको मिला है ये सब जंजाल हटाने के लिए। बाकी हम जंजाल ज्यों के त्यों रख दिया और बड़ा सेठ बन गया, उसमें क्या लाभ हो? जंजाल को साफ करो जिसमें जीवन सफल होगा, और जंजाल रख करके थोड़े दिन के लिए 20-50 वर्ष के लिए एक बड़ा सेठ बन गया, ये गरीब बन गया, वो एक ही बात है। कोई समझता हम बहुत गरीब है किस तरह से हमको धन मिले, और कोई समझता है जब इतना बड़ा सेठ बन गया तभी हमारा आशा पूर्ण नहीं हुआ, तो बात वही रही है। सब समय चित्त एंग्जाइटी, ये प्रहलाद महाराज उनके पिता को बताया था, भाई बेटा तुम क्या अच्छी चीज सीखा है हमको थोड़ा बताओ, तो प्रहलाद महाराज बताया, पिताजी नहीं बोला तत्साधु मन ने सुरवर्ज देखना, पिताजी आप तो असुर का श्रेष्ठ है, असुर वर्ज, वर्ज मीन श्रेष्ठ, बहुत भारी असुर है। तो पिता को बोला तत्साधु मन ने असुर वर्ज देखना,
जो ये शरीर लिया है भौतिक शरीर उसके लिए ये उचित है क्या? न हित्यात्मघातम गृह अंगकूपम वन गतो जद हरिमा शरीर जो ये जो शरीर मिला भौतिक शरीर इसके लिए सब समय हमको चिंतित रहने पड़ता है। तत्साधु मन ने शुरुवर्ज देना सदा समुद्विघ्न ध्यान असद ग्रह ये जो असद वस्तु शरीर में धारण किया है इसके लिए सब समय समुद्विघ्न रहने पड़ेगा। और यदि आप ये समुद्विघ्नता से हमें छुट्टी लेने को चाहते हैं तो हित्यात्मघातम गृह अंग कूपम वनम गतो जद हरिमा से। इसलिए हमारा जो वैदिक सभ्यता है वानप्रस्थ वन में जाना पंचाशुद्धं वनं व्रजेत ये शास्त्र के निर्देश है। जहां 50 वर्ष हो गया अब वन में जाइए। तो वन में तो जाने का आजकल सामर्थ्य नहीं है अभ्यास नहीं है तो इसलिए कम से कम वृंदावन में आइए। हम लोग वृंदावन में को भारी मंदिर बना है और रहने का जगह है। आप लोग जिसका 50 वर्ष ऊर्ध हो गया सब आइए उधर रहिए भगवत चर्चा कीजिए और जीवन को सफल कीजिए। वनंगत वो जद हरिमा खाली वन में जाने से नहीं होगा वो तो बंदर भी रहता है बंदर नंगे रहते हैं फल भी खाते हैं बड़ा सात्विक जीवन ताकि एक एक बंदर का दो दो तीन तीन दर्जन ओमन चाहिए। उस प्रकार वन में जाने से कुछ फायदा नहीं है। वन में जाइए हरिमा आश्रय का और भगवान का आश्रय ग्रहण कीजिए ये शास्त्र का निर्देश है। तो जहां तक हो हम लोग सब सुविधाएं देने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं सब आश्रम भी बना रहा हूं और मंदिर भी बना रहा हूं और रहने का जगह भी है। तो कम से कम पंचाशुद्धम ये जो सिद्धांत है कि हम कभी घर छोड़ेंगे नहीं ये ठीक नहीं है। तो फिर सदा समुद्र विघ्न धिया मसुद देहा हित्यात्मघातम गृह अंग कूपम ये वैदिक सभ्यता नहीं है। वैदिक सभ्यता है वर्णाश्रम धर्म ये असल धर्म है। चार वर्ण चार आश्रम चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जरूर होना चाहिए नहीं तो समाज उश्रृंखल है। ब्राह्मण समधम अतिथिखा ये सब विद्वान होकर के सबको सिखाएंगे क्षत्रिय शासन करेंगे और वैश्य अन्न उत्पादन करेंगे अब शूद्र जो कुछ जानते हैं नौकरी करेंगे बस। इसी प्रकार ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ सन्यास ये सब नियम को पालन करना चाहिए तभी सुखी होंगे। और केवल स्वर्ग धा का ऐसा परिश्रम करते लाओ पैसा लाओ रोटी ये कोई सिविलाइजेशन नहीं इसमें दुनिया नाश हो गया। तो इसलिए हम लोग का आप लोग से निवेदन है कि ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट आंदोलन है इसको अच्छी तरह समझिए। ये कोई मैन्युफैक्चर नहीं है एक हमारा मगज में कोई बुद्धि आ गई लगा दिया नहीं ये जगलरी नहीं है ये साइंटिफिक वैज्ञानिक शास्त्र सम्मत इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए इसको लीजिए और जिस तरह से आपका जीवन सफल हो सके उसके लिए कार्य कीजिए इतना ही आप लोग से निवेदन है। और वो सब काम बड़ा सुंदर से हो जाए यदि केवल आप ये हरे नाम ही वो केवल चेत दर्पण हो जाएगा चित्त दर्पण मार्जित हो जाएगा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदि वर्धन। यदि आप
इस लाइन में आइएगा तो आप आनंद चाहते हैं, आनंदमय अभ्यास जी मातृ आनंद चाहते हैं, भगवान भी आनंदमय है और भगवान का अंश स्वरूप जो जीव है वो भी आनंद धोते हैं। तो सुखम मातरम तिकम जब तक अतीन्द्रिय ग्राह्यम, जो वास्तविक आनंद है वो तो अतीन्द्रिय वस्तु है, ये भौतिक वस्तु नहीं है। रमन्ते जोगिना अनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति रामोपदेनासो परब्रह्म विधीयते। ये शासन है भगवान रामचंद्र का विषय बताया कि राम माने परब्रह्म, कृष्ण माने परब्रह्म, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, और भगवान राम और भगवान कृष्ण हरे राम, ये कोई फर्क नहीं। जब आप शुद्ध राम कीर्तन करेंगे तो समझ लीजिए कि भगवान रामचंद्र ये बलराम, कोई भी राम भगवान, भगवान का एक परशुराम हुआ, एक बलराम हुआ और एक भगवान रामचंद्र हुआ, सभी एक है। तो वही नाम चिंता मने कृष्ण, नाम को जप करने से आप चाहे राम का भक्त हो कृष्ण का भक्त हो, समझ लीजिए भगवान रामचंद्र और कृष्ण आपका जिह्वा में आकर के नाच रहे हैं। इस भावना से यदि आप नाम कीर्तन कीजिए तो आपको जीवन सफल होगा। विद्यावधि जीवन आनंदामृति बद्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, ये चैतन्य महाप्रभु की आशीर्वाद है, ये बताएं। तो आप लोग जिस अवस्था में रहिए और इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं है, एक दफे देख लीजिए जो हरे नाम करने से क्या क्या फायदा, सब समय कीर्तनीय सदा हरि। ये भी चैतन्य महाप्रभु बताएं कि अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो कोई बोलेगा ये पागल है, देखो तो बिजनेस में अपना बैठे हैं और नाम जप कर रहे हैं। कोई बोलेगा जुआ चोरी, ये जुआ चोर है, एक ढंग लगा है, ये सब सहना पड़ेगा। भगवत भक्त होने के लिए बहुत सहन करने पड़ता है, जैसा प्रहलाद महाराज अपना पिताजी शत्रु हो गया, मारो ये बेटा को, ये भगवान का नाम करता है, हमारा बात सुनते नहीं, ये सब शत्रु बन जाए। तो ये सब होते हुए भी तिनादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानी नामानदेन कीर्तनीय सदा हरि, ये सब सहन करके भगवान का नाम जपा कीजिए, जीवन आपको सब सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,